जिसमें जनता को एक हफ्ते दिन में लाइट और एक हफ्ते रात में लाइट रहती थी। विधानसभा में 14-14 पावर हाउस हो, उस विधानसभा में अगर मच्छर काटेंगे तो तकलीफ तो होगी ही। चुनाव हारने के बाद 3 साल मदारी कहाँ था? और दौड़ के पलई की हार सूख गई है और भर्ती नहीं होती है। रात को 11 बजे से 5 बजे तक लॉकडाउन का क्या मतलब है? जय हिंद, मैं अंजू मोदनवाल और आप देख रहे हैं वीसी खबर। आज वीसी खबर के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सैयद राजा, विधानसभा के पूर्व निर्दल विधायक व वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज सिंह डब्लू। स्वागत है सर आपका वीसी खबर के स्टूडियो में। आज से मेरा पहला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया है कि सरकार में आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। मैं जनता की तरफ से आपसे जानना चाहूंगी कि बिजली देने का शेड्यूल वही 2012 से 17 तक वाला रहेगा जिसमें जनता को एक हफ्ते दिन में लाइट और एक हफ्ते रात में लाइट रहती थी। बहुत बढ़िया सवाल आपका है। बाप नौकरी करता है पूरा 60 साल जी, और नौकरी करके जब रिटायर होता है तो पैसा पकता है तो घर बनाता है, और बेटा बड़ा होते ही शादी आती है तो अपने बीवी को कहता है कि देखो मैं कितना बढ़िया आलीशान घर बनाया है। वही हालत इस सरकार की है। अखिलेश जी ने, हमारा छोटा सा विधानसभा सैयद राजा है, और देश आज़ाद से लेकर 2012 तक हमारे विधानसभा में 4 पावर हुआ करते थे पावर हाउस जी। 4 पावर हाउस होते थे, एक धानापुर 3311 का, एक अमड़ा 3311 का, एक कमालपुर 3311 का, और एक बगही 3311 का। 4 हुआ था जब मैं 12 में विधायक बना। तब विधायक बनने के बाद हमारी सरकार जब आई तब हमें लगा कि बिजली की समस्या हमारे यहाँ बहुत परेशानी है, तो बिजली पे मैंने काम किया और मैंने 10 पावर हाउस बनवाए, और आज भी मेरे यहाँ 14 पावर हाउस हैं। तो 14 पावर हाउस हैं तो 10 बनवाया हूँ। सिर्फ चंदौली में एक 132 का पावर हाउस था जो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने बनाए थे। उस समय घुट घुट के लोग करंट पाते थे। मैंने धानापुर में 132 का पावर हाउस बनवाया, चंदौली से भी बढ़िया पावर हाउस बनवाने का काम किया। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, दूसरा मैं 3311 का अमड़ा आवाजापुर में बनाया, तीसरा मैं जहाँ पैदा हुआ जिस गांव में, उस गांव में मैं अपने लिए कह दीजिए कि अपने पर्सनल लिए 3311 का एक पावर हाउस बनवाया, चौथा मैं वहीं रायपुर है वहाँ बनवाया, पाँचवा मैं तुलसी आश्रम में बनवाया, और छठवां जब मुझे मच्छर काटे थे जिसको मैं पावर हाउस में गया था ताला मारने सैयद राजा मार्केट का, वह भी मैंने बनवाया। उसके बाद सातवां चिरई गांव में बनवाया क्योंकि 24 घंटा किसानों को बिजली फ्री बिजली उपलब्ध हो कैनाल पर 24 घंटा, और वो फ्री में उपलब्ध हो। 12 से 17 के बीच में हम लोग वो बिजली फ्री में दिए हैं और 24 घंटा दिए हैं, सभी कैनालों को दिए हैं। ये हमारी सरकार की देन है। लोग जानते नहीं होंगे, लोग कहते हैं फ्री फ्री फ्री, हम लोग ऑलरेडी फ्री दे चुके हैं और 24 घंटा दिए हैं। लखनऊ के सचिवालय में बिजली कट जाती थी लेकिन वो चिरई गांव के पावर हाउस पर नहीं कटता था, और सभी कैनालों को किसानों के लिए हम लोगों ने वो फ्री में दिया और चला के दिया। उसके बाद चारी में बनवाया, उसके बाद अरसण में बनवाया, ऐसे करके 10 पावर हाउस बनवाने का काम हम किए, और आज 5 साल की सरकार में एक भी नहीं बना। 14 पावर हाउस आज भी हमारे क्षेत्र में है। चलिए मैं अगला प्रश्न आपसे, 2021 में बिजली गुल होने पर आपको मच्छर काटता था है ना, तो आप बिजली उपकेंद्र पर जाकर दस्तावेज उठाकर तालाबंदी करने का काम करते थे। 2012 से 17 तक समाजवादी सरकार में जब पूरी रात बिजली गुल रहती थी तब मनोज सिंह डब्लू को मच्छर नहीं काटते थे? काटते थे। मच्छर जब मनोज को काटे तो मनोज क्या करे, जब इतना बड़ा आबादी है, घर है 4, परिवार है 24, तो एक एक घर में 4-4 लोगों को मजबूरी में रहना पड़ता था, बेड के नीचे बच्चों को रखना पड़ता था पलंग के नीचे, और ऊपर माँ बाप सोते थे और उसके ऊपर मचान गाड़ के मेरा भाई और बहन सोते थे। मजबूरी थे, उस समय परिस्थितियाँ थी, लेकिन उस 12 से 17 के बीच में हम लोगों ने 10 घर बनवाया कि ताकि सब लोग अपने अपने घर में मस्त में रहें। यही कारण है कि ये लोग बहाना करते हैं कि 18 घंटा बिजली मिलती है। 17 जिस विधानसभा में 14-14 पावर हाउस हो, उस विधानसभा में अगर मच्छर काटेंगे तो तकलीफ तो होगी ही। मैं इसलिए कहता हूं कि आगे हमारी सरकार में जो अगर मच्छर काटेगी तो मैं कहता हूं कि उस पावर हाउस पे जो डालेगा जाके ताला मारेगा उसको मनोज माला पहनाने का काम करेगा।
चलिए मैं अगला प्रश्न आपसे, सैयद राजा विधानसभा में 1.5 साल पहले मनोज सिंह डब्लू खुद को मदारी बताते हुए डमरू बजाने लगे, ठीक है, तो सैयद राजा की जनता मनोज सिंह डब्लू से जानना चाहती है कि चुनाव हारने के बाद 3 साल मदारी कहाँ था। देखिए ऐसा है, मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाइए आप, आपको एक एक दिन का शेड्यूल मिल जाएगा। चुनाव जिस दिन हारा हूँ, पहला होली में मैं सैयद राजा मार्केट में होली खेला हूँ, और होली के रंग में इस जो कलर का कुर्ता है ना मेरा, इस कूलर के कुर्ते का कलर में होली खेला हूँ, वह वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। ऐसा कोई साल बाकी नहीं है, जब मैं, मेरी एक आदत है, मेरे गाँव में एक दिन बाद होली होती है, और एक दिन जिस दिन होली होती है उसके एक दिन के बाद होली हम लोग खेलते हैं, तो होली में खेला हूँ, 5 साल पूरा क्षेत्र में होली खेला हूँ। 2018 में मेरे मेडिकल कॉलेज को लेके चले गए मिर्जापुर में बनाने के लिए, 2018 में मैंने महापंचायत करके मेडिकल कॉलेज की लड़ाई वहाँ पर लड़ा हूँ, उस जगह पे लड़ते रहा। 2019 में लोकसभा में जानते ही हैं टिकटार्थी था, लोग कहते थे कि विधायक जी बहुत एक्टिव हो लोकसभा में, लोकसभा जब बीत गया 20 में पूरी एकदम लड़ाई लड़ा हूँ, 21 में 20 में जेल गया हूँ, जनता के लिए जेल गया हूँ। हमारे यहाँ कुलदीप मौर्य जी जब 21 में शहीद होते हैं तो 7 घंटा धरना दिया, वह केस आल भी झेल रहा हूँ और शहीद का दर्जा दिलाया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि और 22 चली रहा, खड़ा ही हूँ, तो सालों साल आपको दे ही दे रहा हूँ। वो कहने वाले बंदर को मैंने इसलिए मदारी कहा कि वो 3-3 मंच पर मुझे जब कह दिए मदारी, तो मैं गूगल देवता से पूछा कि मदारी का मतलब क्या होता है, तो गूगल देवता ने बताए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मैंने अपने बेटा को MTech करवाया, अपनी बिटिया को पायलट बनाया, अपनी बड़ी बिटिया को फैशन डिजाइनर बनाया, इसलिए मैं बनाया कि मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे बिजली नहीं मिली, मुझे मच्छर काटा, तो मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे बेटा को, मेरे नाती को मच्छर न काटे। और आज आपको एक और कहता हूँ आपके सवाल से अलग, कि मैंने कहा था कि दहेज फ्री शादी करूंगा और अपने बेटा का दहेज फ्री शादी किया, और उसको जो बच्चा पैदा हुआ है उस बेटा को मैं इसी सैयद राजा विधानसभा में पढ़ाने का काम करूंगा, और उसके लिए ऐसा स्कूल बनवाऊंगा कि लोग तमाशा देखेंगे, जो हैदराबाद और बंबई में स्कूल नहीं मिलेंगे वो सैयद राजा विधानसभा में मिलेगा, प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल। इस पर सवाल विरोधी करेंगे कि विधायक जी अपने नाती के लिए बनाओगे, जब मनोज का नाती उसमें पढ़ेगा, विधायक का नाती पढ़ेगा, मंत्री का नाती जब उस सरकारी प्राइमरी में पढ़ेगा, तब जाके सैयद राजा का विकास होगा। चलिए बहुत अच्छी सोच है आपकी। वीसी खबर की टीम की ओर से मैं खुद सैयद राजा विधानसभा के बाजार में जाकर जनता से मिली हूँ, जहाँ जनता मेडिकल कॉलेज का श्रेय वर्तमान विधायक को दे रही है, जबकि जनपद में मेडिकल कॉलेज को लेकर पहल मनोज सिंह डब्लू ने की थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपसे चूक कहाँ हो गई जिससे आपके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। चूक नहीं हुई, उसको चूक नहीं कहेंगे, उसमें कहा जाएगा तजुर्बा विहीन विधायक मनोज था, नया नया विधायक बना था, और मनोज ने बड़े सपने को दिखाया जी। मनोज ने मेडिकल कॉलेज का सपना चंदौली को दिखाया, और आज भी माधोपुर का मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछी है, वो माधोपुर का मेडिकल कॉलेज आज भी खसरा खतौनी में चिकित्सा शिक्षा के नाम पर है, वहाँ पर 20 एकड़ जमीन। ये लोग घूम घूम के कहते हैं कि मनोज नहीं किया, मनोज सच कह रहे हैं, मनोज का मेडिकल कॉलेज 2200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज था, जो कि यहाँ से उठ के मिर्जापुर चला गया, और ये 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किए हैं, और आज घूम घूम के कह रहे हैं कि मनोज को वोट मत देना, मनोज विधायक हो जाएगा तो नौबतपुर का मेडिकल कॉलेज को वापस माधोपुर ले जाएगा। मनोज ले नहीं जाएगा, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज ये कर रहे हैं, उसको मैं और अगल बगल की जमीनों को 4 गुना मुआवजा दिलवाऊंगा, जमीन ज़्यादा कराऊंगा, वहाँ पे पहला मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा, वहीं पर मैं नर्सिंग कॉलेज बनवाऊंगा, वहीं पर मैं कैंसर हॉस्पिटल बनवाऊंगा उसी नौबतपुर में। इसलिए कह रहा हूँ कि नौबतपुर का जो है उसको चालू कराऊंगा, और जो माधोपुर की चिकित्सा शिक्षा जमीन की है उसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, कॉलेज नहीं। एक बार और कहूँगा आपके दर्शक को कि मैं वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा, इसलिए यूनिवर्सिटी बनाऊंगा कि धान का कटोरा चंदौली कहलाता है, और धान के कटोरे में पढ़े लिखे लोग रहेंगे तभी बढ़िया से खेती कर पाएंगे।
मेरा अगला प्रश्न सर आपसे है कि सैदराजा की राजनीति में आंध्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता गंगा कटान के मुद्दे को लेकर सैदराजा विधानसभा में आता है और समाजवादी पार्टी का टिकट न मिलने पर निर्दल चुनाव जीतता है और फिर पुनः सपा ज्वाइन कर लेता है। सैदराजा की जनता मनोज सिंह डब्लू से सवाल कर रही है, 2012 से लेकर 17 तक प्रदेश में सपा की सरकार रहने पर मनोज सिंह डब्लू की गंगा कटान के मुद्दे पर क्या रही है? बहुत बढ़िया लगा है। पहली बात आपको कंफर्म कर दूं जी कि एक गांव में कहावत कहते हैं, जौने काट का बुखला वही काट में सकती, दूसरे में नहीं सट सकता हो। तो मैं समाजवादी था, समाजवादी हूं और समाजवादी रहूंगा। हमारी लड़ाई असली और नकली की थी। गंगा कटान की जो बात है जी, गंगा कटान मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट है और ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। दूसरी बात, गंगा कटान मैंने एक गलती कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि तजुर्बा विहीन विधायक था, तजुर्बा की कमी थी, मुद्दे बड़े थे, काम बड़ा था और मेरी सोच बड़ी थी, लेकिन तजुर्बा मेरी बीच में बाढ़े आ गई। मैंने 11 बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है और मुझे कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जो कि मुझे समझा दे, मुझे टोक दे, मुझे रोक दे। मैंने विधानसभा में सवाल उठाया कि गंगा कटान रुकनी चाहिए, गंगा कटान उत्तर प्रदेश में, गंगा कटान उत्तराखंड में, गंगा कटान बिहार में और सागर तक चली गई है गंगा जी, चार चार स्टेटों में बंगाल तक गंगा कटान है। विधानसभा, एक विधानसभा में क्वेश्चन उठा के चार विधानसभा का काम नहीं हो सकता है, यह असंभव चीज़ है। तजुर्बा विहीन विधायक होने के नाते गंगा कटान में मैं फेल रहा। मुझे सवाल करना था कि गंगा कटान चंदौली की रुकनी चाहिए, गंगा कटान सैयदराजा विधानसभा की रुकनी चाहिए, गंगा कटान पर्टिकुलर थानापुर ब्लॉक की रुकनी चाहिए और गंगा कटान 1, 2, 4, 10, 20 गांव का नाम लेकर पर्टिकुलर मैं किया होता तो गंगा कटान में मैं पास हो गया होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, 5 साल मेरा वो खराब रहा। अगर एक ही बार सब हो गया होता तो आज फिर विधायक बनने की मुझे जरूरत क्या पड़ती थी? 5 साल जो आदमी पूछता है सवाल, उस नेता को कहता हूँ क्या कर रहे थे बाबू, 5 साल में तुम ही करा दिए होते। क्या गंगा मैया तुम्हारी नहीं है? मरोगे तो गंगा घाटी ढूंढे जाएगी और अस्थियां मेरी भी उसी गंगा में डुबोए जाएगी। इसलिए गंगा मैया को खाली यूज मत करो, गंगा मैया के लिए कुछ करो। मैं कहता हूँ इस बार विधायक बनूंगा और पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ 18-20 गांव हैं उन गांवों में मैं गंगा कटान को रुकवाने का प्रयास नहीं करूँगा, उसको पूरा कराने का काम करूँगा। इसलिए कि मुख्यमंत्री के जेब से पेन निकाल कर सिग्नेचर कराने की औकात मनोज की है। खुले मंच से ये नहीं कह सकता हूँ कि विधायक का काम ये नहीं होता है। विधायक के पास कोई कुर्सी नहीं होती है, लेकिन जिस कुर्सी पर विधायक बैठ जाता है वही कुर्सी उसकी हो जाती है। चलिए मैं अगला प्रश्न आपसे सर कि इस समय प्रदेश भर में जनता वर्तमान सरकार से बेरोजगारी पर सवाल उठा रही है, जनता कि वो बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारी पर सपा आला कमान और मनोज सिंह डब्लू की क्या योजनाएं हैं? बेरोजगारी पर जानते हैं आप, अखिलेश जी ने कहा है कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, पढ़े लिखे नौजवान आईटी की तरफ 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और दूसरी तो छोड़िए, मैं यहीं चंदौली में कह रहा हूँ, हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, हो सकता है मैं उनका नाम लूँ तो हमारे घर का, हमारी बीवी का ना वोट दे, कहीं बाबा इतने बड़े हो गए हो अब उनके ऊपर तुम सवाल उठाते हो। लेकिन मुझे वह भी दिन याद है, मैं बहुत मानता हूँ और मेरे प्रेरणा स्रोत है, ऐसा नहीं है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखने का काम किया हूं। और चंदौली में लगता है कि उनके बाद धोती वाला एक मनोजवा है, विधायक कोई धोती वाला नहीं है, मनोजी है, मैं उनको कॉपी करता हूं। लेकिन दुख होता है जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो आके कहते हैं कि हाथ रगड़ दूंगा और मैल जो छूटेगी उस मैल से ही चंदौली का भला हो जाएगा, वह दिन भी मुझे याद है। और डिफेंस मिनिस्टर होने के बाद हमारे क्षेत्र के आप गली गली में चले जाएंगे, बच्चे दौड़ते हैं और दौड़ के पलई की हार सूख गई है और भर्ती नहीं होती है। मैं डिफेंस मिनिस्टर नहीं होऊंगा, एक छोटा सा विधायक होऊंगा और एक छोटा सा विधायक रहते हुए 7 दिन सेना भर्ती करवाया हूं और मैं कह रहा हूं मार्च में विधायक बनूंगा और अप्रैल में सेना भर्ती होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, ईत गैल रफ फलाने के गोड़वा गिर गल, अब भर्तिया लिया ले इनकर देना उनकर, गुड़वा गिर के लिए आई या गुड़वा तोड़ के लिए आई, ये विधायक का काम है, कैसे लाता है जनता को देने का काम मनोज कुमार सिंह देगा कहेगा। और आपके माध्यम से मैं जनता उस नौजवानों को कहूंगा कि आप लोग दौड़ते रहिए, आपका ये भाई आपके लिए सेना भर्ती चंदौली में लाएगा।
चलिए मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि मैं खुद कमाल सैयद राजा विधानसभा के कमालपुर के बाजार में एक व्यक्ति से मिली जिसकी उम्र महज 21 से 22 साल की थी। वो कहता है कि 2022 में अखिलेश भैया की सरकार आएगी तो पुलिस में भर्ती निकलेगी, तब मैं वर्दी पहन के गुंडाई करूंगा। इस टाइप की मानसिकता पर आपकी क्या राय है? यह है वह लड़का जो कहा है गुंडे उंडे नहीं कहा है, उसको ये बिल्कुल उत्साहित लड़का है और उसके घर यह भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसके घर गए हैं और जाके उसको धमकाने का काम किए हैं। और मैंने कहा को बोला क्या करूं, मैंने कहा मारे बढ़ियारा रोए न दे बेटा, कंप्लेन करोगे पुलिस के पास जाओगे तो फिर वो मारेंगे, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी जनता का विश्वास उठ गया है योगी बाबा की पुलिस के ऊपर। इसलिए मैंने उसको कहा कि आंधी आवे बैठ गवाए, समय का इंतजार करो, सभी का पहिया घूमेगा, मनोज आएगा और तुझे बेटा वर्दी भी पहनवाने का काम करेगा और तेरी हिफाजत भी करने का काम करेगा। तो उनको न मारना है न मानना है, अपना काम करते रहो और मनोज को साइकिल पर रोड देकर जिताते रहो। अच्छा, इसके पूर्व सपा सरकार पर आरोप लगा है कि वो जाति विशेष की पुलिस में भर्ती करवाती है। एकदम सही है। क्या नई सरकार आने पर ये प्रक्रिया जातिवाद से बाहर निकलेगी? बिल्कुल नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। और मैं कहता हूं कि निकलना भी नहीं चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। मैं खुद ही हूं, यादव हूं मैं जी, तो यादव की बात करता हूं, यादव है ना हूं मैं यादव हूं। कहते हैं कि एक वोट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब मैं अपना वोट नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा वोट यादव में गिन लिए होंगे। मेरा पूरी मेरी ससुराल मेरी वाइफ का वोट इसी में है, मेरा वोट इसी में है, मेरी बहन का वोट इसी में है, मेरे बुआ का वोट इसी में है, मेरी नानी मामी मामा सबका वोट इसी में है। पर सर जाति विशेष टाइप का तो ये तो गलत है ना सर? जाति विशेष की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और किसी जाति के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी है वो कहते हैं ना कि हम नहीं कहेंगे छोड़िए उनके ऊपर, करके दिखाएंगे और करके दिखाया। सर अगला सवाल आपसे कि सपा सरकार में कोई भी भर्ती निकलती थी तो उसी युवा को नौकरी मिल पाता था जो शिवपाल यादव तक अटैची पहुंचाता था। क्या करेगा मतलब? इसीलिए पेपर लीकेज हो जा रहा है कि अटैची ना पहुंचाना पड़े, इसीलिए लीकेज हो जा रहा है। एक भी भर्ती हुई है, एक भी हुआ है? कहते थे कि 56 दो साल से कोरोना है पूरे। अरे कोरोना तो रात को 11 बजे निकलता है जी, रात भर घूमता है और 5 बजे थक के बेचारा जाके सो जाता है, यही ना कोरोना है। दो चरण में चुनाव हुआ, जब देखे कि वोट परसेंटेज कम हो रहा है तो दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले पेपर में आता है आपके मीडिया पर आता है कि कोरोना उत्तर प्रदेश से मुक्त हो गया। ये कौन सी लॉजिक है समझ में नहीं आता है कि जब पॉकेट से कोरोना बाहर छोड़ दो, जब कोरोना को अंदर छोड़ दो। आपके हिसाब से क्या कोरोना है नहीं है? कोरोना है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोरोना है तो कोरोना दिन में मार्केट में 1,00,000 की भीड़ लगा के मैं भाषण देता हूं तो कोरोना है, और मेरा बेटा 40 लड़के क्लास में अगर बैठ के पढ़ते हैं तो उसको कोरोना पकड़ लेता है। ये क्या है? अगर बंद होना तो मेरी रैली भी बंद होना, मेरा काम भी बंद होना, बाजार भी बंद होना, रात को 11 बजे से 5 बजे तक लॉकडाउन का क्या मतलब है? आप भी बताइए, जनता से मैं पूछता हूँ कि रात को 11 बजे आदमी ठंडी के दिन में सोएगा या भीड़ लगाएगा? तो 11 से 5 का कोरोना का क्या लॉजिक है? ये तो मेरे समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आता तो बता दीजिए। ये लॉजिक है, गंगा में काफी लाशें भी। देखिए वो सब अलग मुद्दे हैं, मैं अब विधानसभा में इस समय 20 दिन मैं अब विधायक विधानसभा के लिए हूँ, क्योंकि विधायक बनूंगा तभी सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तभी मेरे सैयद राजा का विकास होगा। चलिए मेरा अगला प्रश्न आपसे कि लंबे समय से धानापुर को तहसील बनाने को लेकर लोगों की मांग चली आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? चूंकि जनता से भी यही बात सामने आ रही है कि कोई भी उम्मीदवार धानापुर को तहसील व चोचकपुर में पक्का पुल निर्माण की बात नहीं करता है। मैं आपको कहता हूँ धानापुर में तहसील बनवाऊंगा, मैं चोचकपुर में पक्का पुल बनवाऊंगा और धानापुर को नगर पंचायत भी बनवाऊंगा। यह सवाल भी आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको रिकॉर्ड करके लिख लीजिए, जो जो मैं कह रहा हूँ यह मैं पूरा करूंगा। अगर पूरा नहीं होगी जनता आपसे खुद सवाल पूछेगी, ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आप सबको कहूंगा अगर ये पूरा नहीं होगा तो अगले बार मनोज आएगा वोट मांगने तो भगा देना, मत देना मनोज को। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे कि क्या वजह रही कि आप 2017 विधानसभा चुनाव में तीसरे पायदान पर आ गए? मैं हार गया चुनाव क्योंकि झूठ जीत गया चुनाव, नोटबंदी हुई थी और लोग जा जा के समझाए घरों में कि बड़े लोगों का पैसा तो गंगा में तैर रहा है
और बड़े बड़े चैनलों पे चलाया गया, थोड़ा दो चार पांच नोट पानी पे फेंक के चला दिया गया, ये पैसा फेंका जा रहा है। और कहे कि मोदी जी को है ही कौन है, मोदी जी को कोई नहीं, आप ही हैं, आपके बेटी का पढ़ाई होगा, शादी होगा, बेटा को नौकरी मिलेगा, माँ बाप को दवाई मिलेगा, आपको आलीशान आवास मिलेगा। उस आलीशान आवास को जानती हैं, हम लोग की सरकार थी तो लोहिया आवास के नाम पर 360,000 रुपया देते थे, और 360,000 में ये लोग क्या किए, तीन भाग में बांट दिए। एक आदमी को आवास जो हमको देते थे, ये लोग 1,20,000 का आवास तीन लोगों में बांट दिए। बांट के क्या किए कि सबको खुश करने का काम किए, लेकिन उसके बाद भी दो तीन लोगों से ज़्यादा गांव में मिलने का काम नहीं हुआ। हम लोगों ने एक एक गांव में 100-100, 150-150 लोहिया आवास हम लोग देने का काम किए। और आज मैं कहता हूं कि अपने विधानसभा में 72 गांव को समग्र गांव देकर मैंने लोहिया गांव बनवाया था, और इस बार 150 गांव अपना देकर पूरा विधानसभा का संपूर्ण विकास, चाहे नाली हो, खड़ंजा हो, पटरुआ हो या उनका आवास हो, उनके संपूर्ण विकास की जिम्मेवारी मनोज कुमार सिंह। सर, आपने झूठ की बात कही, झूठ कितने बार जीतता है, 2014 अब कहाँ जीतेगा, 2019 में भी प्रधानमंत्री फिर से बने, देखिए कितनी बार जीत जीत ही गया ना, ये झूठ जीत गया, इस बार झूठ नहीं जीतेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी देश का भला होगा। ये कहते गए, कहे अभी तो 17 में चुनाव हुआ है, 19 में आ जाएगी, अब मोदी जी ने एक कर दिया। आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने घोषणा किया था कि 2022 तक सभी लोगों को मकान मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, 2022 आ गया, सभी लोगों को मकान मिल गया? चलिए मेरे साथ दिखाता हूँ, गांव में कितनी मजबूरी से लोग रह रहे हैं, कितनी गरीबी से रह रहे हैं। गांव में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ये उन्होंने सपना दिखाया और सपनों को लूटने का काम उन्होंने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीसी खबर के, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।